हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू बाबा एंड प्रोस प्रिडिक्ट एक और मौत का खेल वाला गेम वीक एक और बड़ा मैच बट बिफोर वी बिगिन आलोक है हमारे साथ एंड वी हैव यूके रिटर्न निधि भैया विलायत से लौटा <laughs> मेरा दोस्त <laughs> क्या हालचाल निधि भैया कैसे हो कुछ बताओ कुछ कुछ तड़कती भड़कती खबरें बताओ वहां की <laughs> बस बढ़िया बाबा तड़कती भड़कती खबर यही है कि बहुत, बहुत मतलब बहुत तो नहीं बट ठंड थी इट वाज नाइस एंड कोल्ड और बहुत तो भी पढ़नी शुरू नहीं <laughs> हुई हाँ <वही, laughs> मतलब <laughs> इस बार कंफर्टेबल था मतलब इस बार इतन, हाँ। इतना इतना बुरा नहीं था मतलब अभी तो शुरू हुई है ठंड वहां पे सही हाँ। बात है मतलब इट वाज गुड बाबा काफी मजा आया चार मैचेस देखे यूनाइटेड का भी मैच देख लिया लिवरपूल के तीन मैचेस देखे तो और आप मैं यूनाइटेड के लकी चार्म हो बाय द वे आप जो मैच देखे वो जीत गए वो पेनल्टी कंप्लीट करने के बावजूद भी लास्ट मिनट में तो हुड है फ्रॉड की लिवरपूल फैंस विल बी लकी चार्म फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एकदम एक एकदम यहां पे उनाना ने मतलब तो हम लोग तो वीडियो भी डाला था एकदम उनाना एकदम ठीक सामने उनाना सेव किया था और फुल मतलब

लीग कप देखा है बस बस एफए कप बचा हुआ है तो बढ़िया है हम्म बढ़िया बढ़िया एफए एफ कप भी देख लोगे आप आलोक भाई क्या हाल चाल व्हाट्सअप हाउ आर यू कुछ नहीं चल रहा है मास्क थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और ये फर्स्ट वीडियो का जो इंट्रो है बाबा फर्स्ट पार्ट ही आता है जब वो टूकल और कॉन्टे का जो चल रहा होगा <laughs> <laughs>

मैन सिटी बोनमथ आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है उसको डिस्कस करने की शेफील्ड वुल्स बर्नली क्रिस्टल पैलेस एवरटन ब्राइटन इंटरेस्टिंग है न्यू कासल आर्सनल अगेन अ गुड मैच नोटिंग हम फॉरेस्ट वाला लूट एंड टाउन लिवरपूल अगेन मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी और स्पर्स चेल्सी तो काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे मैचअप हैं इस गेम वीक अगर अपन देखें जैसे चेल्सी uh, स्पर्स तो है ही न्यू कासल आर्सनल एक अच्छा मैचअप है दैन ब्रेंडफर्ड वेस्ट एम एक अच्छा मैच है

मैन सिटी अगेंस्ट दे लॉस्ट कन् मैन सिटी नॉट इवन इन थर्ड गियर जिस तरीके से वो खेले जस्ट दे मोशन एंड इट वॉज वेरी ईजी और कल हमने देखा कि न्यू कासल ने एक बी टीम से आपके आप ये नहीं बोलेंगे कि उनकी मेन टीम थी दर आर लॉट ऑफ रोटेशनल चेंजेस तो एक बी टीम ने काइंड kind ऑफ of, uh, हराया मैन uh, यूनाइटेड को और ओल्ड ट्रैफर्ड में अभी थोड़ा सा उनके लिए दो बैक टू बैक थ्री डिफीट हो गई और बहुत सारा जो है uh, डाउट आ रहा है अभी लेके तो आलोक आई डू स्टार्ट विद यू यू व्हाट मेक ऑफ़ द टेन एंड मैन मैन यूनाइटेड सिचुएशन अभी करेंगी? ऐसे पिछले 6-7 साल से हमने देखा है लुई बैनाल आए 2 साल लगा क्या चटी कुछ चलेगा 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 जीती स्टार्टिंग में स्टार्ट गोइंग डाउन हिल विम दे इस एक्टिम सोलशा है सेम चीज एरिक टेनहाग अगेन सेम चीज एक पैटर्न दिख रहा है प्लेयर्स प्रॉबली मैनेजर के साथ खेलना नहीं चाहते जो भी है एक आज एक अच्छा न्यूज एक अच्छा नहीं बट मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ा था कि जहाँ पे बोला जा रहा है ऐसे कि टेनहाग के पास दो चीज़ें का प्रॉब्लम है एक तो ही डेज समीन ही लैंग्वेज इशूज जहाँ पे वो ठीक से बात नहीं कर पाते अपनी टीम से एंड सेकेंड थिंग वॉज कल्चर इशू का एक कुछ तो इशू बता रहे थे दो चीजें अब मैं बताऊंगा जब 2021 में दो रोमानो फब, ने वो रिपोर्ट दिया था दीज आर टू इशूज बिकॉज ऑफ विच टॉटनम डिसाइडेड नॉट टू एरिक विरिक कि वो शायद अपने प्लेयर्स के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते उनको एनकरेज नहीं कर पाते और

जिदान, मतलब कोई भी बड़ा मैनेजर मुझे लगता नहीं है कि इस इसमें अभी हाथ डालने की कोशिश भी करेगा ओनरशिप के अराउंड इतनी सारी अनसर्टिनटी uh, है उनके पास अभी फिलहाल 25 परसेंट जो लेने वाले फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल आएगा नहीं आएगा ट्रांसफर uh, का कितना बोझ नहीं बोल सकते बट ट्रांसफर का कितना मैनेजर के हाथ में रहेगा ये सारी चीजें देर आर सो मेनी तो आई डोंट नो एक किसी किसीबडी आई थिंक दक्ष के साथ में एक वीडियो कर रहा था तब मैंने कहीं तो सुना था ये बात कि ओनरशिप ने आई थिंक एक टाइम एक के बाद ये कर दिया कि मैनेजर के ऊपर सब डाल दिया कि आप ही अपने प्लेयर चुनो आप ही लेके आओ हम सिर्फ पैसा डालते रहेंगे आपके बारे में सोचेंगे नहीं ज्यादा बट लाइक द बोर्ड शुड ऑल्सो कीप सम चेक चेक ऑन देम कि यार ऐसे नहीं है कि आप बस शॉपिंग को जा रहे हो और जो चाहिए वो उठा के लेके आ जाओ देर शुड बी सम चेक एक भी ट्रांसफर मुझे उनकी अच्छी कन्विंसिंग नहीं लग रही है एंटनी मेसन माउंट ओनाना ओके देयर एंड देयर अबाउट अब तक लाइक like, कन्विंसिंगली कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सो मेनी प्रॉब्लम्स यूनाइटेड राइट नाउ प्रॉब्लम शोन एनी साइंस फॉर विच एनी बोर्ड और एनी फैंस वुड गो एंड बैक किम अप

शमी यार, ब्रोस आफ्टर दिस स्ट्रीम 11:15 पीएम पे मैं अपने दूसरे चैनल पे क्रिकेट की स्ट्रीम कर रहा हूं तो डू मेक श्योर आप बाबा प्लेस पे सब्सक्राइबड है देयर वी विल बी डिस्कसिंग इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हुआ है विद उस्मान भाई तो डू मेक श्योर कि आप वहां पे आ जाए और वहां जो है अपन क्रिकेट की बातें करेंगे दिल खोल के uh, और ये मुझे बड़ा अच्छा कमेंट लगा आर फ्लाइंग ऑन द प्लेन मेड बाय रॉन्ग ब्रदर्स राइट ब्रदर्स नहीं रॉन्ग ब्रदर्स ये अच्छा था

Uh, अपने दी भैया पे मैं सैगवे करता हूँ uh, इसी सवाल uh, यही जो कमेंट है इसको हाईलाइट करेगी वरान मिस ट्रेनिंग ट्यूसडे एट द लास्ट मिनट्स इट्स बीन सजेस्टेड दैट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ इंजरी ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग इन साइडर यूनाइटेड ऐसी अब न्यूज आने लगी है जो भैया हम देखते हैं तो चेल्सी फैन मैं तो बहुत इससे रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज वेन थिंग्स स्टार्ट टू गो रॉन्ग प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल ऑन द फील्ड इट्स लुक इट लुक्स लाइक स्ट्रेंजर्स खेल रहे हैं

हाँ मेरे पापा फुल खुश मतलब अरे मैं... वो तो लास्ट में मतलब क्या ऐसे ही मतलब वो कि बॉल पिच करा रहे थोड़ी मूव हो जाए वो मूवमेंट खत्म हो गई चौदह पंद्रवे ओवर तक वरना वो तो

हाँ यार देखो मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मुझे लगता है ना यार कि देर इज रॉट डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम रॉट है अगर आप मतलब वहां के बोर्ड से देखो आ, वहां पे जो खेल रहे हैं यार अगर आप सोचो होम पे पिछले पिछले तीन दो मैच होम पे सिक्स ने लार गए yes, हो आप ये सिटी एन न्यू भी यूनाइटेड हो राइट सिक्स हारे हो आप इतनी बुरी तरह से मतलब यार सिटी वाले मैच में तो अब ये वाला मैच जो था न्यू कासल वाला हो तो मैं बीजूच में देख रहा था क्योंकि हमारा मैच भी चल रहा था यार बट यूनाइटेड आई डोंट नो मतलब यूनाइटेड फैंस को बुरा लगेगा बट हॉरेंडस परफॉर्मेंस यार मतलब खास करके वो कोपन फर्स्ट हाफ चाहे फिर आप सिटी देख लो सिटी का सेकेंड हाफ हॉरिबल परफॉर्मेंस यार मतलब कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कुछ प्लान ही मुझे नहीं समझ में ही आता है अब इसके लिए क्या आप एरिक को ब्लेम करोगे यस हंड्रेड परसेंट आप ब्लेम करोगे राइट right? बट uh, क्या वो पूरी उसकी गलती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है राइट right? अगर आप मेरे को पता एक चीज मैं बताऊं यूनाइटेड का एक चीज जो मुझे एज एन आउटसाइडर देख के लगती है ना मेरे को ऐसा लगता है ना यूनाइटेड में टू मेनी पीपल हैव अ स्टेक इन व्हाट इज गोइंग ऑन एट द क्लब फॉर एग्जांपल जैसे कैरेगर बहुत बकवास करता है कभी कभी राइट ही टॉक्स अ लॉट ऑफ स्मैक बट कैरेगर लिवरपूल में क्या हो रहा है ना उसमें कैरेगर की

हॉयलैंड को आप पहले सब्सिट्यूट कर रहे हो और रेसफर्ड को आप रहने दे रहे हो रेसफर्ड वॉज टेरिबल यस्टरडे हॉरिबल खेला वो और और ये आज की बात नहीं है बहुत पुरानी है ऊपर से फिर मतलब कौन से प्लेयर आएंगे कैसे आएंगे उसके ऊपर पूरा मेस है यार पीआर डिजास्टर पे एंटनी वाले केस में मैं यही बोल रहा था मैं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे थे कि तुम आ, तुम तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम लिवरपूल फैन हो और तुम टेनहैक सही है मैंने उस टाइम भी यही बोला था भाई कि टेन हैक सही है टेक ने जो किया वो गलत नहीं किया बट उस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को उस चीज की जरूरत नहीं थी यार वो जो पूरा सैंचो वाला जो पूरा वाला डिजास्टर हुआ जरूरत नहीं थी आज के डेट में क्या आपको लगता है कि सैंचो के लिए कोई वे बैक दिखता है मैं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सैं सही है यहाँ पे हंड्रेड परसेंट डायरेक्ट टेनैक सही है बट उसको डील सही तरीके से नहीं किया गया मेरे हिसाब से आज देखो मेरे को नहीं लगता है कि सैंको के लिए कोई भी वे बैक है टीम में टीम पूरी तरह से मेस्टअप हो रखी है यार आपने 400 मिलियन खर्चा किया है हाउ कैन यू ना हालांकि स्कर्टल से तो बहुत अच्छा प्लेयर था जॉनी एवेंस बट इट्स लाइक आज मैं स्कर्टल को खेलते हुए देख रहा हूं मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल आप और ऐसा नहीं कि पैसा दो हजार उन्नीस मतलब लॉवरन खेल रहा है राइट right? मतलब ये हाउ इज दिस पॉसिबल हाउ इज दिस ये हो कैसे रहा है राइट right? वरान का अभी आप जो आ रहे हो राइट right? कि वरान के ऊपर जो आ रहे ही इज नॉट हैप्पी अब ये चीज़ सच है नहीं सच है नहीं पता बगर आप अगर आप पैटर्न देखोगे तो हो सकता है ये बात बिल्कुल सच हो कोई चीज़ होगी जिससे वो अनहैप्पी है राइट right? और एरिक एरिक्टैक को अगर आपने सेक कर दिया तो फिर आप क्या करोगे फिर आप किसको लेके आओगे लोग बोलते हैं जिदान डिजर्बी इतना आसान है क्या यार

एट समिशन प्रोपोजेशन बिकम्स अनेजर बोलेगा ना भाई की तुम अब यार गैरी नवेल बोल रहे की वो एंटनी uh, वाले केस पे उसने बोल दिया कि अगर कोई बच्चा बार 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 एक चीज के लिए जिद करो और आप उसको दिला दो तो किसकी गलती है? अरे ऐसे कौन बात करता है यार मतलब वो मीन वोट यू मीन बाय दिस राइट right? मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि उसको मतलब एरिकट है ना कोई बच्चा तो नहीं है ना मतलब कि उसको ज़िद कर रहा है तो मत दिलाओ बिकॉज उसके लिए खराब है फिर आप बोलते हो मोजा हमारा टाइट है शर्ट हमारी बहुत छोटी है मतलब कुछ भी चल रहा है कुछ भी चल रहा है यूनाइटेड में एट दिस पॉइंट एंड आई वुड से कि इसमें मैनेजर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है लेकिन आप पूरी तरह से उसको नहीं बोल सकते कि उसकी गलती है तो देर इज अ लॉट ऑफ रॉट एंड उस इसमें टाइम लगेगा अनफॉर्चुनेटली फॉर यूनाइटेड फैंस ये ये कोई इमिडिएटली फिक्स होने वाली चीज नहीं है मेरे हिसाब से भाई मेरे, मेरे मेरा यह टैक है इस पूरी सिचुएशन में कि जो तो सेक करना टेनहाको इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज आप फिर वही जो है कर दो सैक चाहो तो अभी कर दो आप सैक उसको लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उसको करोगे ना तो फिर से स्क्वायर वन पे चीज़ें आ जाएंगी फिर नया मैनेजर आएगा अभी उसने माउंट खरीदा है अभी उसने हॉलैंड खरीदा है लिसांड्रो मार्टिनेज उसकी साइनिंग है ऐसे करके और दो तीन प्लेयर्स उसके टेन्योर में आए अब नया मैनेजर आता है हो सकता है उसको हॉलैंड जैसे स्ट्राइकर नहीं पसंद हो हो सकता है उसको एंटनी नहीं हो उसके उसमें फिक्स हो तो अभी ऐसा एकदम बिल्कुल कस्टम फिट मैनेजर ढूंढना ना बड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंडेबल है कि दस साल हो गए हैं सर एलेक्स को गए हुए और ऐसी कोई सक्सेस नहीं देखी यूनाइटेड ने या तो प्रीमियर लीग जीती हो और चैम्पियंस लीग जीती हो और वो एक विश्व सर्किल में टीम फंस गई है तो टेनहाक को सैक करने का मतलब होगा उस विशेष सर्किल को बढ़ाना तो आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन लेना पड़ेगा आपको टेनहाक में दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा फेथ भले ही उसके डिसीजन कुछ कितने भी रिडिक्युलस लगे आपको थोड़ा सा उसको अनकंडीशनली सपोर्ट करना पड़ेगा इन द सेंस कि अच्छा उसने वरान नहीं खिलाया हो सकता है वरान की ही गलती हो अच्छा वो इस फलाने प्लेयर को उसके ऊपर खिला रहा है हो सकता है उसने कुछ गलत किया हो सही में इसके पास कुछ प्लान हो

एक तो रीजन ये है कि आप जब मैनेजर को लाए हो तो ऐसा है नहीं कि उसने कुछ नहीं दिखाया आपको लास्ट सीजन जैसे मैंने बताया ही केम थर्ड उसने दो आपको एक का फाइनल एक में जिताई दिया आपको ठीक है और आई थिंक न्यू थी एक में तो एक फाइनल में आ, उसी का तो रिप्ले था ना उसी आ, का, का ना? तो तो आई थिंक देर आर सम समिटिव आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स एक्चुअली वो हैं

वो बोलना कुछ और चाहता है और बोल कुछ और देता है वो मतलब ऐसा लगता है कि वो सही वो क्या है उसके जो मन में विचार आता है ना मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी उसकी उसकी बातें सुन के कि जो इंग्लिश निकलती है ना मुंह से तो दैट कम अक्रॉस एज वेरी ड्राई एज वेरी रूड एज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो वो शायद सोच रहा है ना उसको एग्जेक्टली exactly नहीं बोल पा रहा है वो कुड बी अ डच थिंग हम बोलते हैं कि डच लोग थोड़ा ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और उनको ऐसी चीजें मतलब ड्राई ही बोलते हैं वो जनरली बट यार आप जब इतने बड़े क्लब को मैनेज करते हो आपको यू नो वॉट कमिंग योर वे आपको पता होता है कि आपको हर गेम में आपके ऊपर स्क्रूटनी होने वाली है आप ये रीजन नहीं दे सकते कि मैं पी आर ट्रेन नहीं हूँ क्योंकि जब आप जाते हो इतने बड़े क्लब में यू नो दसाइनमेंट यू नो द मेमो कि एवरी डे अगर आप अच्छा भी कर रहे हो ना अगर वो 38 एट गेम्स का विनिंग स्टिक भी कर ले तो भी मीडिया कुछ ना कुछ खराब निकाल ही देगी यूनाइटेड के बारे में

राइट तो मतलब यू कैन नॉट बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर एंड से प्रेस से डील नहीं कर सकता राइट तो दिस इज अगेन समथिंग दैट ही हैज़ फिक्स राइट एंड एट दिस पॉइंट ऐसा लगता है कि मतलब यार मतलब बहुत ज्यादा माहौल बहुत खराब है यार यूनाइटेड yeah. में क्या हंसने की बात है भाई मतलब ये तो <laughs> नहीं 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 की बात था तो फनी था तो, <laughs> तो फनी मतलब जोसे मरीनियो था ना और उसने कई सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दी थी अब देखो ओनर्स को क्या ऐसा बंदा नहीं चाहिए हु इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डील विद और जो वो डिमांड्स करें उनको हमको फुलफिल करना पड़े आई थिंक ओनर्स का तो वो है ओनर्स तो आर टू ब्लेम फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर यूनाइटेड बट अभी प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब भी कुछ क्लब में गलत होता है तो इट्स ऑलवेज इजीियर टू एक्स वन गाय रादर देन ना पूरा स्क्वाड चेंज करो यू मतलब चेल्सी ने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है कि अपना पूरा स्क्वाड ओवरऑल कर दिया उन्होंने एक तरीके से अगर आप 2021 चैंपियंस लीग वाली जो

मतलब वो अब ये लॉन्ग टर्म में पे होगा पे ऑफ होगा कि नहीं होगा वो हमको नहीं मालूम वो हमको एक, एक सीजन दो बात सीजन बात पता चलेगा कि अच्छा ये एक्चुअली में वर्क किया कि नहीं तो ये नहीं। करना तो ये तो एक्सेप्शन हो गया ठीक है ये तो एक्सेप्शन हो गया अभी जो हर जगह हम देखते हैं कि भाई मैनेजर ही होता है फायरिंग लाइन में हमेशा कि अच्छा भाई चलो गड़बड़ हो रही है ले भाई मैनेजर अब उसको मैनेजर के अगेंस्ट क्या जा रहा है इस पूरे केस में सबसे बड़ा जो जा रहा है वो है कि भाई तूने रोनाल्डो को हटाया टीम से रोनाल्डो तेरी वजह से गया ठीक है तेरी वजह से से उसको इंटरव्यू देना पड़ा एंड एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड लाइक रोनाल्डो इज इमोशन राइट तो आप आपने एक तरीके से वो चीज की लास्ट सीजन इट लुक जस्टिफाइड बिकॉज चलो रिजल्ट आपने वैसा लाके दे दिया बट पीपल विल लुक एट दैट डिसीजन कि नहीं आप उनके साथ काम कर सकते थे ऐसा नहीं था कि मतलब उनको जाने की जरूरत थी इट वॉज योर डिसीजन फिर again. सेंचो वाला अगेन hmm. मैं वही मैंने पिछले बार भी यही बोला था कि इसमें भी मुझे नहीं लगता है एरिक की गलती थी। वो जैसा फुटबॉल खेलना चाहता था मान लिया, hmm. मान लिया एक मोमेंट के लिए तुम, तुम रोनाल्डो को फिट नहीं देख रहे थे बट वो रोनाल्डो है भाई यू नीड टू ट्रीट दैट मैन विद समीड टू मैनेज दोंग वो तो था वो तो उसकी गलती right? है मैं वही तो कह रहा हूँ उसका गलती है सॉफ्ट स्किल्स That man does not have soft skills. आप <laughs> आप ऐसे नहीं कर सकते मतलब यार आप मतलब घर के दादी को ऐसे फेंक के खाना नहीं दे सकते आप ठीक है आप खाना दे रहे हो लेकिन आप थोड़ा उसको TLC की जरूरत मतलब the thing is ये उसके सर से कभी हटेगा नहीं यार you are talking about one of the best footballers ever right अब ठीक है मैं मैंने मान लिया कि जो भी था उसका यार वो आपने क्या किया ना कि ठीक है पिछला सीजन तो आप

मतलब इस तरह से क्योंकि रोनाल्डो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी hmm. रोनाल्डो ने भी जब वो पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू में बैठा तो खुद बोला ना भाई कि मतलब यार आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर हिम फिर वो बोल रहा है मैं तो रात में बहुत आसानी से सोता हूँ यू नीड टू मतलब थोड़ा बैलेंसिंग की जरूरत होती है यार दिस ah. इज ये मतलब ये यार बर्बर्ट ऑफ भी चलो बहुत बड़ा प्लेयर ये बेबे नहीं है ये रोनाल्डो है और तू सर एलेक्स नहीं है तू तू है है यार एरिक टेन है, सर सर एलेक्स एलेक्स का जब इतने ऐसा नहीं कि डिड नॉट प्लेयर्स आप, तो मतलब, आप सैचो से पंगा ले रहे हो तो मतलब यार वो बातें गलत नहीं करता है बट आई जस्ट फील कि ही थोड़ा स्किल्स में ट्रेनिंग चाहिए उसको बिल्कुल बिल्कुल चलिए आई थिंक काफ़ी हमने डिस्कशन कर लिया है के बारे में आई थिंक यूनाइटेड पे ही आधा घंटा लगा दिया वी गॉट अदर मैचेस आल्सो टू डिस्कस एक कमेंट ले लेता हूं फिर एक सुपर चैट आई हुई भव्य की वो भी एड्रेस करनी है uh, uh, to, uh, Tenag, ice, 61 uh, ये सब होने लगे हो, अभी तुम तीन मैच चल सही हो फिर देखना <laughs> क्या न्यूज़ आती है <laughs>

मिल मिलती है ओल्ड मॉन्क लेकिन मतलब कुछ कुछ लाइक स्टोर्स में बट उधर यार तुमको मतलब दारू की की वैरायटी कमी नहीं पड़ेगी ऑप्शन इतने पीपी <laughs> <या। laughs> तो -पी के परेशान हो जाओगे आ, जोजे का क्या क्या ट्वीट है क्या, पे, क्या बोला ने? क्या जाता है तो हम उस पर फिर ओके नो कमिंग टू द प्रिडिक्शन गाइस चलो वापस से एक बार आ जाते हैं अपन प्रिडिक्शन पे फुलम यूनाइटेड गाइस चलो फुलम का होम मतलब? है क्रेवन कॉटेज माइट बी चेल्सी होम फ्रॉम नेक्स्ट सीजन हु नोस बात तो चल मतलब हां मतलब स्टैमफोर्ड ब्रिज का रिनोवेशन होगा ना अभी हां हाँ, तो स्टेडियम शेयर करेंगे स्टेडियम शेयर करेंगे तो फुलम कह रही है कि कर लो बट रेवेन्यू नहीं देंगे मैच डे दे वाला वो चेल्सी मैच रेवेन्यू भी हम रखेंगे <laughs> तो उसका अभी थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही है मजा आ जाएगा लेकिन देखो यार कुछ कर लो यार थोड़ा बहुत थोड़ा जैसे सोनी बोलता है ना कि स्पाइडरमैन यूज करो मार्वल तुम लेकिन पिक्चर से जो भी कमाओगे वो हम रखेंगे वो सेम चीज है हां अह आई एम गोइंग फॉर अ यूनाइटेड विन रिएक्शन मतलब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2-1 यूनाइटेड टाइप्स हो सकता है या आई वांट टू से यूनाइटेड विन बट आई सी अ ड्रॉ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा शायद फुलम को बीट करना यूनाइटेड को इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी है तो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है शायद कैन गेट द रिजल्ट आउट और आई थिंक कैरेबाउ कप में भी जीती है uh, अभी आई थिंक दे आर मतलब लीग में उनका फॉर्म कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है uh, कुछ डिफिकल्ट मैचेस भी थे उनको एक्चुअली बट आई थिंक दे कैन गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ यूनाइटेड मुझे फुलम बहुत बेकार खेल रही है यार मतलब बहुत ही बेकार mean. खेल दे गो दे डू नथिंग गोइंग फॉरवर्ड या यूनाइटेड जीत जाएगी यार आई थिंक टू वन भाई टू वन यूनाइटेड मेरे को वैसे ही कुछ लग रहा है ओके ब्रेंटफोर्ड वेस्ट हैम अब सिर्फ प्रेडिक्शन बता दो बॉयज ब्रेंटफोर्ड ड्रॉ वन ऑल दोनों टीम्स बॉल पे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है तो

आपका क्या है इसमें वेस्ट विन या I think मैं Brentford बोल okay. बोल रहा रहा okay. yeah. uh, मत हटाओ पेस्टिंग बर्नली क्रिस्टल गो विद क्रिस्टल क्रिस्टल पैलेस ठीक है ब्राइटन एवर्टन ड्रॉ ये नहीं ये ब्राइटन जीतेगी क्योंकि एवर्टन पिछला मैच जीती एवर्टन लगातार दो <laughs> मैच मेक मेक सेंस सेंस ये ये आई आई थिंक थिंक जोक्स ड्रॉ हो जाएगा ये ऑल असाइड गुडिसन पे मैच यार तो थोड़ा ब्राइटन को मुझे लगता है जीतना डिफिकल्ट हो जाएगा ड्रॉ लग रहा है मुझे मुझे लग रहा है ये ये गेम ऐसा रहेगा जिसपे बहुत सारे ड्रॉज दिख सकते हैं हमें क्योंकि फिक्सर्स ही वैसे सेटअप हुए हैं तो ड्रॉ यस ड्रॉ हाँ मैं भी ड्रॉ के ले जा रहा हूँ इसमें बाकी देखते हैं कुछ भी कर सकती है भाई एवर्टन से गंदी टीम नहीं है सीजन इन टर्म्स ऑफ एफपीएल एज वेल जब आप सोचोगे कुछ नहीं करेंगे तभी वो जॉर्डन पिकफर्ट क्लीन शीट रख लेगा जब आपको लगेगा को हरा के आ गए हाँ बताओ हरा के अवे फ्रॉम होम वेस्ट टाइम को हरा के आ गए अजीब टीम अजीब हाँ। टीम हाँ। अजीब टीम ओके आर्सेनल न्यूकासल नाउ दिस इज अ गुड गेम दिस इज अ वेरी गुड गेम। गुड गेम वेन रूनी टू बी नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड में आई विल ये नहीं करना चाहिए यूनाइटेड को किसी भी कीमत पे भाई वो वो तो, वो तो वो तो बर्मिंगम में प्रेशर में है तुम यूनाइटेड हाँ। का मतलब कहां से यार? इतने बड़े लेजेंड को नहीं लाना चाहिए क्लब में कभी yeah. भी मतलब वो वो क्या होता है ना लाइंस ब्लर हो जाती है अब जो हमने लैम्पार्ड के साथ देखा था मतलब यू वांट टू से बैड थिंग्स अबाउट योर मैनेजर बट यू कांट बिकॉज ही सच अ डार्लिंग ऑफ द क्लब और रूनी से बड़ा लेजेंड नहीं है मैन यूनाइटेड का पिछले बीस साल में तो एज सिंपल एज दैट

वो लोग इससे बहुत Southampton से बहुत से बुरी तरह रहे हैं जिस दिन का मैच था ना के साथ सेम पे उनका भी मैच चल रहा था बहुत बुरी तरह रहे हैं वो लोग तो आ, को तो को बना दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यार नहीं 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 कोई लेजेंड नहीं आना चाहिए प्लेयर्स प्रोटेक्ट कर लिए कुछ एक को इंजरी जरूर है हाँ आई थिंक बॉटमैन उनका अवेलेबल नहीं है ई साका आई थिंक अवेलेबल नहीं है इंजरी है उनको और बाकी बट दे प्लेड रेली वेल अगेंस्ट यूनाइटेड काफ़ी जो की प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी मिल गया तो ऐसा नहीं था कि आ, मतलब आर्सनल नहीं खेल रही थी लीग कप और न्यूकासल ने खेला आर्सनल ने भी खेला ही उनके कई प्लेयर्स जो फीचर होंगे दे प्लेड नाइन्टी मिनट्स उसमें साका को भी लेके आ गया था वो आई डोंट नो वाई ही गॉट ऑन साका थ्री निकलता मतलब <laughs> <laughs> क्यों रिस्क कर रहा था उसको लास्ट के दस पंद्रह मिनट बट दैट इज़ वॉट एट ए टाइज आई थिंक बहुत डिफिकल्ट गेम है आर्सनल के लिए बट इट अभी आर्सनल की एक बात सही लग रही है कि जो गेम्स हमको लगता है ना कि दे वुड स्ट्रगल इन दो गेम्स इस सीजन या हमको लगता है कि नहीं यार ये तो अब शायद हार ही जाएंगे वो या कुछ गड़बड़ हो जाएगी दे आर ग्राइंडिंग रिजल्ट इन दो गेम्स और उसके बाद फिर एक कन्विंसिंग विन भी हो जाती है बीच में अगेंस्ट अ मिड टेबल या लोअर टेबल टीम जैसे शेफील्ड को उन्होंने पेला बिल्कुल तो मैं इस नेरेटिव में नहीं अभी जा रहा कि आर्सनल आर नॉट प्लेइंग कन्विंसिंग फुटबॉल आई थिंक वॉट दे आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू डू इज जगल बिटवीन चैम्पियंस लीग प्रीमियर लीग और अभी लीग कप भी था तो चलो ठीक है उसमें तो दिख गया हमको कि स्क्वाड डेप्थ की सख्त डेप कमी है अगर आपको एक्चुअली yeah. में रोटेट करके बी टीम खिलानी है तो तो फर्क है दोनों चीजों में आर्सनल वैन दे आर एट इट आई थिंक दे डू एवरी थिंग पॉसिबल टू विन अ फुटबॉल मैच इन रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट दिशन आई वॉन्ट टू से न्यू कार्सल इन दिस गेम बट मैं आर्सनल को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ इसमें प्रिडिक्ट ड्रॉ इन दिस गेम ड्रॉ या टू ऑल ड्रॉ हो सकता है बाकी आप लोगों यार एक तो मैं बोलूंगा पता न्यू कासल ने ना अपना सीजन उनका जैसा भी स्टार्ट हुआ हो उन्होंने गाड़ी ले आई है ट्रैक पे अपनी क्योंकि अगर आप सिर्फ लीग कप की बात करो यार तो उन्होंने पहले सिटी को हराया अभी यूनाइटेड को हराया लीग में भी अच्छा ही खेल मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है उनका बट प्रॉब्लम यह है कि उनके मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उनके सात या आठ प्लेयर मिसिंग है थ्रू इंजरीज समथिंग लाइक दैट नौ इंजरीज है नौ प्लेयर है इंजरीज बहुत ज्यादा है आर्सेनल uh, के लिए इजी नहीं होगा सेंट जेम्स पार्क विल बी रॉकिंग एंड वो वहां पे माहौल बहुत ही मतलब अलग रहता है वैसे भी सो आई दिस कैन बी यू नो अ बैड ट्रिप फॉर आर्सेनल

बट अगर प्रडिक्शंस की बात करोगे तो आई वुड इधर इधर गो फॉर अ ड्रॉ और ड्रॉर आई गो फॉर अ ड्रॉ आई गो फॉर अ ड्रॉ आलोक या सेम यार मुझे मतलब जनरली वुड वुड यू जनरलीक्ट आर्सेनल टू लूज दिस गेम्स बट ये साल दे हैव डिफेंसिवली जस्ट बिकम मच बेटर देन लास्ट सीजन बिकॉज ऑफ विच आई फील के दे विल प्रॉबली टू इनाफ टू नॉट लूज डेफिनेटली

अमनिधि भैया को इसमें इंसाइट दे दें कि क्यों लूटन अवे एक डिफिकल्ट ट्रिप हो सकता है तो पता नहीं <laughs> <laughs> बाकी मुझे ऐसा कुछ अभी तक लगा नहीं है देख के लिवरपूल को बाकी लिवरपूल की मैं बस एक बात बोलूँगा लिवरपूल ना बहुत अंडर द रेडार जा रही है सीजन ऐसे सब लोग बहुत स्पर्स आर्सनल मैन सिटी की बात तो करते ही हैं ठीक है मैन सिटी चलो अभी दो मैच हार गई और अब अनबीटन है आर्सनल भी बहुत अच्छा खेल रही है आर्सनल भी शायद अनबीटन ही है लीग में तो अभी तक लिवरपूल की कोई बात नहीं कर रहा है यार लिवरपूल बहुत चुपके चुपके सुमड़ी में रिजल्ट <laughs> निकाल निकाल के लिवरपूल के साथ एक गलत चीज़ ये हो गई कि जो दो गेम वीक में मैन सिटी स्लिप हुई वो दोनों hmm. गेम वीक में ही वो फायदा नहीं उठा पाए उन स्लिप्स का yeah. exactly. तो वो एक वो एक चीज है जो आई थिंक थोड़ा सा मतलब लिवरपूल को खटक रही होगी बात बट देखो तो कुछ भी देर इज नथिंग भाई लिवरपूल आर राइट देर ऑन द शोल्डर तो वो

अंडर द रेडार तो यार देखो मतलब वी हैव मेड अ गुड स्टार्ट मैं अब उसमें ये कर, नहीं करूंगा एंड हमारा स्टार्ट थोड़ा टफ भी था बट डिपेंड yeah. uh, करता है इंजरीज कैसी रहती हैं उस पर और थोड़ा हमको जनवरी में स्ट्रेंथन करना पड़ेगा तो होपफुली विल बी एबल टू फिनिश इन द टॉप चैंपियंस लीग अगले सीजन मस्ट है एंड लिवरपूल के पास वो एक एक्सपीरियंस है यार सिटी के अगेंस्ट जाने का जीत मतलब सिटी के साथ जाके जीता भी उन्होंने लीग तो आई थिंक क्लॉप का वो एक्सपीरियंस साला का एक्सपीरियंस

अगर आपके वो इंजरीज होती है बड़े गेम के वक्त तब आपको इश्यू होगा तो आई थिंक लिवरपूल हैज बीन स्लाइटली लकी आल्सो इन दैट केस जहाँ पे आ, बड़े इंजरीज मुझे अब तक नहीं दिखे इफ आई एम नॉट रॉन्ग जैसे इंजरीज तो है मतलब ट्रेंड छोटे छोटे नॉन ऑफ देम आर लॉन्ग टर्म इंजुरीज जैसे फॉर एग्जाम्पल एस पे अपडेट है भैया फादर इज स्टिल नॉट फाउंड यार फाउंडारो okay. बात ये हो रही है कि शायद उस, उसको उनको मतलब कोलंबिया से बाहर ले जाया जाए तो वेनेजुएला वगैरह में शायद ही इज़ नॉट बीन फाउंड एंड इट्स नॉट गुड न्यूज मतलब इतना टाइम हो गया यार इज ही सैटरडे ऑलमोस्ट हफ्ता खत्म होने आया दिस इज नॉट गुड न्यूज डेप्थ पता है बहुत कमाल की चीज होती है जैसे अब डियाज इतना अनफॉर्चुनेट है ही इज नॉट अवेलेबल बट वी आर ओके बिकॉज डार्विन डारूने इस सीज़न सही खेलने खेल रहा है तो हमको उतना फील नहीं हो रहा है जोटा वगैरह सब अच्छे से फिल इन कर लेते हैं सो आई थिंक मेन चीज़ वही है इंजरीज uh, नहीं हो और हम जनवरी में थोड़ा कर लें तो शायद कुछ हो जाए देखते हैं गाइस बिफोर वी मूव ऑन टू द बिग गेम प्लीज़ डू मेक श्योर कि आपने आलोक भाई के चैनल साउथ स्टैंड व्यू को सब्सक्राइब कर लिया है Uh, मैंने सिंडा मॉन्ग को सब्सक्राइब कर लिया मोर देन ट्वेल्ल हंड्रेड एंड फिफ्टी पीपल आर वॉचिंगर्स तो थैंक यू सो मच यार टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सिर्फ साढ़े चार सौ लाइक है तो प्लीज़ ये जुल मत ढाइए हम पे और स्ट्रीम को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए प्लीज रिक्वेस्ट चलो ओके नाओ वी कम टू स्पर्स वर्सेस जेलसी अब आओ स्ली बिफोर uh, I get alok, uh, मतलब उनको क्या लग रहा है मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ दे पूछ रहे हैं डियाज हाँ। खेलेगा खेले मतलब जिस, तो, है तो, तो वो तो गया हुआ है ना उधर नहीं मतलब गया है कि नहीं मुझे नहीं पता बट ही नॉट प्ले यार ऑब्वियसली नहीं खेलेगा ये कैसे पॉसिबल है यार मतलब ही माइट नॉट बी स्लीपिंग तो फुटबॉल कैसे खेलेगा राइट नाउ फुटबॉल इज नॉट मतलब नहीं में वो मेंटल स्टेट में ही नहीं होगा अभी तो किस कुछ right. भी करने के राइट नाउ फुटबॉल इज नॉट द मतलब वो फुटबॉल इज अ स्मॉल थिंग शो सम सेंसिटिविटी चैट हर चीज एफपीएल नहीं होती है लाइफ में uh, भव्य कह रहे हैं बाबा एंड बॉयज करंटली यूरोप में कौन सी टीम है व्हिच इज प्लेइंग द बेस्ट अगेंस्ट अ लो ब्लॉक एंड व्हाट इज द की टू स्कोर अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम भाई की कुछ नहीं है चांसेस मिलते हैं, नहीं, लो नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं, लो नहीं है ब्लॉक के अगेंस्ट आपको चांसेस नहीं है या फिर वो ऊपर अब वो ब्रेंडफर्ड वाला जो मैच था फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में हमको तीन गोल मार देने चाहिए थे hmm. अभी कोई अगर वो उसके बाद देखेगा ना फुल टाइम पे तो देखेगा अरे टू ने चेल्सी तो बेकार टीम है फर्स्ट हाफ में गेम हो जाता कुछ नहीं कर पाती ब्रेंडफर्ड सेकेंड हाफ में आप एक मोमेंट के लिए स्विच ऑफ होते हो और आप थ्रो इन से डिफेंडर्स ऑल द्लेयर्स गोलकीपर ब्लाइंडर तो भाई नहीं टूटता सिटीज उसका उस दिन ब्रेक पे खा गए पेड्रोनेटो से और हांग ही चांद क्या नाम है उसका तो भाई होता है ये, ये चीज भी होती है हमने देखा तो ऐसा नहीं है कि लो ब्लॉक एक रामबाण है भाई अगर ऐसा होता कि लो ब्लॉक टूटता ही नहीं है किसी से तो भाई सब टीम लो ब्लॉक तो नहीं खेल लेती ले स्पर्श को पागल कुत्ते ने काटा है जो आगे बढ़ बढ़ के <laughs> वो अटैक पर अटैक करे जा रहे हैं मतलब और इतना वो मतलब आगे बिल्कुल चढ़े ही रहते हैं अपोनेंट पे भाई लो ब्लॉक जो होता है वो ऐसा होता है कि मतलब उनको लिम, कोई लिमिटेशंस होती है ना किसी टीम की तो वो लो ब्लॉक खेलते हैं उनको पता है कि हम मिडफील्ड बैटल नहीं जीत सकते इनके साथ या अगर इनके पास बॉल हो गए और हम थोड़ा आगे इनको प्रेस करेंगे आके तो हमारी बाईपास हो जाएगा मिडफील्ड फील्ड और बैकलाइन तो लो ब्लॉक टूटता है ऐसा नहीं है कि चेल्सी लो ब्लॉक तोड़ती नहीं चेल्सी तोड़ती है लो ब्लॉक गोल नहीं कर पाती यार और वो फिनिशर चाहिए आगे एक और या फिर आपके पास एक मतलब दाना वो बीच में जो क्रॉस डाल दो दो डिफेंडर्स को बुली करके गोल मारते दे उसमें इतनी इंडिविजुअल ब्रिलियन वो भी नहीं है पहले हमारे पास वो होता था जिसका नाम था ड्रॉकबा उसके बाद एक और आया था 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 जिसका नाम था जो मर्जी टीम ले सामने टूट जाता था लो स्पोर्ट फ्रीक आई नो टूटेगा लॉल ओके आलोक का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहता हूँ मुझे क्या लगता है गेम में क्या होगा देखो एविडेंस हमने देखा है कि चेल्सी कैन बी गुड अगेंस्ट टीम जो पीछे नहीं बैठती हैं केस इन पॉइंट लिवरपूल हो गया चलो लिवरपूल वाला तो बहुत शुरू में था सीजन uh, में एवरी वन वॉज गेटिंग सेटल्ड और साइनिंग्स भी हुई हैं उसके बाद दोनों ही टीम्स के लिए कुछ कुछ तो ठीक है वो थोड़ा अर्ली अर्ली साइंस थे आर्सनल वाला गेम तो काफी रिसेंट था आई थिंक चेल्सी डिजर्व टू विन दैट गेम इन माई ओपिनियन फॉर मिनट्स ऑफ द गेम उट we ही नहीं था उसमें जो हमको सिर्फ बॉल रखनी थी एज एन की प्रेस भी नहीं कर रही थी आर्सलो मतलब और हम जीत जाते वो मैच हमने नहीं किया वो ठीक है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है थोड़ा उस तरीके की हार से फिर अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ब्रेंडफर्ड की अगेंस्ट वो चीज होगी स्पर्स के अगेंस्ट मुझे क्या लगता है मैं नहीं कह रहा हम जीतेंगे आई थिंक आई डोंट प्रिडिक्ट अ लॉस बट आई आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ स्पर्स विन और अ ड्रॉ एट बेस्ट आई डोंट थिंक सो वी आर विनिंग अगेंस्ट स्पर्स स्पेशली उनके होम में ब्रिज होता तो मैं शायद कहता कि थोड़ा सा एडवांटेज हमारी तरफ है एक स्पेल आएगा मैच में बीच में बीस से पच्चीस मिनट का जिसमें चेल्सी बहुत बढ़िया खेलेगी ठीक है जिसमें चेल्सी डोमिनेट करेगी बाकी इट वुड बी ऑल स्पर्स फॉर द रेस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द गेम

बैकलाइन आपके होंगे कुकुरेया डिसासी सिल्वा एंड रीच जेम्स रीच जेम्स का आना इज अ ह्यूज ह्यूज बूस्ट आई थिंक रीच जेम्स के आने से बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व होती हैं बट वुड इट बी इनफ कि हां भाई रीच जेम्स आ गया है तो हम स्पर्स को ओवरपावर कर देंगे नहीं आई डोंट थिंक सो आई थिंक अभी भी उसमें वो मैच शार्पनेस नहीं आई है uh, दो मैच से वो

तो आ, आप आप गलत हैं मतलब आप आपकी गलत मतलब ये चांसेस मिस करना इज नॉट मतलब ऑलवेज यू आर बीइंग अनलकी आप क्वालिटी yeah. नहीं है आप में मेरा ये है तो वी डोंट हैव द क्वालिटी टू बी रूथलेस इन अ गेम जहां पे बहुत कम चांसेस मिलेंगे ये मेरा पॉइंट या आई नो आई गेट इट मतलब लास्ट सीजन तो मैं बात करना ही नहीं चाहूंगा लास्ट सीजन आई थिंक बोथ टोटनहम एंड चेल्सी वर लाइक टेरिबल एब्सोल्युटली टेरिबल I don't know how Chelsea managed to become worse than Tottenham because Tottenham last season was shit, absolute shit. पर ये सीजन हमने टर्न अराउंड कर दिया है एक्सपेक्टेड टू डू दियान अराउंड बाबा जो आप कह रहे थे ना कि एक पूरी टीम चेंज करनी पड़ती है जो चेल्सी ने की लास्ट दो सीजन में 2020 से लेके अब तक आपकी पूरी टीम चेंज हो गई दो या तीन प्लेयर से बचे हुए हैं <coughs> आप टॉट का चेक करोगे तो सेम हुआ है 2020 हजार के बाद से अगर आप अभी हमारा जो स्टार्टिंग इलेवन देखोगे एक सॉन छोड़ा तो वो 2021 के स्टार्टिंग इलेवन में कोई नहीं था इसमें से आपका पूरा बैकलाइन चेंज हुआ है आपका गोलकीपर चेंज हुआ है, आपका पूरा मिडफील्ड चेंज हुआ है, आपका तो गैलेगर में में uh, really really uh, मुझे टॉटनेम में चाहिए था और बात भी शुरू हो गई थी अराउंड एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो के गैलेगर शायद आ सकता है गैलेगर एंजो फर्नाडेस और कागर काइसेडो खेलता है तो इट्स अ वेरी आई थिंक पहली बार हम ऐसी मिडफील्ड के साथ हम मैचअप करेंगे जो हमें टफ टक्कर दे सकता है सेम टाइम सेम चीज में लाइक ऑन पेपर इट लुक्स परफेक्ट विथ इच अदर और पहली बार इस सीजन में हम ऐसे टीम के साथ खेलेंगे जो विथ में उनके पास ब्लिस्टरिंग पेस है कोर्स साला के पास थाप पेस बट मुझे ये नहीं लगता कि वो इतना अच्छे से यूज कर पाए वो पेस्ट बट आई थिंक द वेस्ट टर्लिंग एंड मुडरिक बोथ कैन यूज देयर पेस अगेंस्ट अस विल बी

पेस के साथ मिकी एवरीबडी द टॉप ऑफ दियर गेम फॉर really I mean, गेम को नहीं खेलेगा फिफ्टी फिफ्टी है तो अगर उडोगी नहीं खेलता है अगर एमरसन रॉयल खेलता है उस जगह पे तो यू कैन अगेन कोल पाल रीज जेम सेम जगह पे खेलेंगे और वो हमको बहुत डिफिकल्टी दे सकते हैं वहां पे तो उस हिसाब से देखो तो मुझे मेरा मन भी ड्रॉ की तरफ जा रहा है अगर जीते तो बहुत अच्छी बात है I am, I am not playing ourselves down. मतलब मैं जानबूझ के ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटर ऑफ अस आई फील सो एंड वी फ्रंट ऑफ द गोल हम जैसे आपने कहा बाबा हम पूरा टाइम नाइन्टी मिनट्स मतलब सिक्सटी सेवेंटी मिनट्स का वो स्पेल पूरे गेम में ऐसे रहेगा कि हम पोजिशन रख रहे हम आपके ऊपर अटैक अटैक पे लेके आ रहे हैं और शायद हम बहुत सारे ले पाएंगे, लेकिन वो हमने टोटल लिए थे लेकिन एक ही ऑन टारगेट था और उसमें हमने गोल स्कोर किया है, वो सेकेंड वाला जो गोल था तो हमें वो क्लिनिकल होना पड़ेगा बहुत ब्रेन जॉनसन अगर खेलते तो बहुत आई आई वुड प्रेफर ब्रेन जॉनसन ओवर रिश जेम्स पहली बार मतलब गेम रहेगा वो जो स्टार्ट करेंगे after injury. तो शायद we can catch him थोड़ा सा off -guard in the beginning. को कैसा reception मिलता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पोचक गोगलू ने कहा तो है कि एवरीबडी रिस्पेक्ट्स बट फैंस तो फैंस होते हैं ही प्रॉबेबली मैच के पहले उसको अच्छा रिसेप्शन मिले मैच के बाद अच्छा रिसेप्शन मिले बट फॉर दैट 90 मिनट्स और और वो फिफ्टीन मिनट हाफ टाइम पकड़ेंगे तो भी चीज होने वाली है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से कैसे दोनों टीम मैनेज करते हैं बट आई गो फॉर अ ड्रॉ एंड दिस इज द गेम आई फील टॉटनम आई होप दैट वी डोंट ड्रॉप ऑल थ्री पॉइंट

इक्वल फुटिंग पे रखा वन नील पीछे है या जीरो जीरो है जी वट तो एक पीरियड आएगा लेकिन वहां पे चांसेस करने पड़ेंगे फिनिश निकोलस जैक्सन बहुत बार मेरे को उसको देख के ऐसा लगता है ना कि वो दैट गाइड टेक्स वेरी रॉन्ग डिसीजन मतलब स्पेशली फाइनल थर्ड में जो उसकी डिसीजन मेकिंग है ना बहुत सस्पेक्ट है तो बेसिकली थोड़ा एक ऐसा बंदा चाहिए रहेगा जो बॉल मिले अगर चांस मिले शॉट क्लियर है तो लेना पड़ेगा शॉट क्योंकि टॉटनम का डिफेंस इज वेरी गुड और उत, आपको उतने चांसेस मिलेंगे नहीं टॉटनम क्या सो वट एवर चांसेस यू गेट यू हैव टू टेक इट हैविंग सो आई थिंक स्पर्स का हाथ इसमें ऊपर है पहली बात वो घर पे हैं कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और यू नो चेल्सी का कॉन्फिडेंस अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत लो है आई पर्सनली सी स्पर्स विनिंग दिस वन इट बी अ प्रिटी विन बट मेरे को ऐसा लगता है कि स्पर्स जीतेगा ये मैच चेल्सी को अगर ये मैच जीतना है ना बाबा तो बेसिकली एक चीज

तो आ, और इसमें एक चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेट पीसेस बिकॉज स्पर्स जिस तरह का फुटबॉल खेलती है ना आपको सेट पीस कंसीड करेंगे वो लोग और वो सेट पीसेस में यू कैन मे बी टेक एडवांटेज एक फ्री किक में या एक कॉर्नर में यू कैन टेक एडवांटेज एंड वहां पे आपको गेम मैनेजमेंट करना पड़ेगा मतलब अगर चेल्सी को ये मैच जीतना है तो एकदम बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आई पर्सनली सी अस वेन बट चेल्सी हैव टू बी वेरी वेरी गुड जो अभी सब लोग जो बोल रहे हैं ना कि अच्छा खेल रही है आई थिंक दिस इज दिन प्ले आई थिंक हमारा फ्रंट फोर है ना अभी फिलहाल सेकेंड गियर थर्ड गियर पे ही है ऐसे में कहूंगा क्योंकि वो अब तक क्लिक नहीं हो रहा है हमारा फ्रंट फोर एक्चुअली

इसीलिए आई एम जस्ट लिटिल होपफुल कि हम हारेंगे तो डेफिनेटली नहीं ये गेम और uh, uh, कुछ भी हो सकता है इस पिक्चर uh, uh, like, आपको स्टर्लिंग है uh, मतलब hmm. आपके पास पेस है हम हाईलाइन खेलते हैं उसका मतलब ये भी है कि मिस्टेक्स हो सकती है हमें जैसे निधि भाई ने कहा फ्री किक्स मिल सकती है आपको पेनल्टीज मिल सकती है आपको Uh, तो दैट कैन बी और टॉटनेम को आज अब तक सीजन में एक भी पेनल्टी नहीं मिली है इज द द ओनली क्लब हु रिसीव्ड रिसीव्ड अ पेनल्टी दिस सीजन सो फार आई गेस प्रॉब्लम दो एक और एक क्लब और क्लब होगा शायद तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे देखने के लिए कि कैसे होगा ड्रॉ लग रहा है मुझे बट अगर जीतेंगे तो किसी ने अभी कहा था कि अगर इफ विंस इट विल बी अ फैशिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तो जीतेंगे तो बड़े मार्जिन से जीतेगा या फिर ड्रॉ होगा

जब आप तीन चार प्लेयर रोटेट करते हो तो नहीं होती रीजन बट इट अ परफॉर्मेंस एंड फैन लॉट ऑफ जस्ट इन फाइव सेक्ट मेरा दूसरा चैनल ड्रॉप प्लेस पे आप आ जाइएगा उस्मान भाई इज वेटिंग ओवर इज ऑलरेडी बैक स्टेज तो वहां पर हम क्रिकेट डिस्कस करने वाले हैं तो डू मेक श्योर आपने ड्रॉग बाबा प्लेस को भी सब्सक्राइब कर दिया है सानचो टू स्पर्स ये मैंने रखा हुआ था शुरू में आया था ये वुड यू टेक हिम लास्ट सीजन यस दिस सीजन नो आई थिंक लॉट ऑफ डिसिप्लिनरी इश्यूज और मुझे अभी टोटेन एंज विल नॉट गो फॉर सानचो इन द फर्स्ट प्लेस ही नीड सर्टेन कैरेक्टर्स इन द ड्रेसिंग रूम एंड सानचो इज नॉट फिट फॉर दैट स्पर्स धागा खोल देगी चेल्सी का uh, देखते हैं ब्रो uh, इंटरेस्टिंग होगा मैच हो भी सकता है आई आई वोंट बी सरप्राइज मतलब आई वुड बी डिसअपॉइंटेड काफी दुखी हो जाऊंगा मैं बट uh, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई डिड नॉट सी इट कमिंग वी विल प्ले फॉर 65 मिनट उसी में ही स्कोर करना पड़ेगा वी आप स्पर्स हो कि आप चेल्सी चेल्सी तो नहीं खेलेगी पैंसठ मिनट भाई चेल्सी खेलेगी 25 से 30 मिनट लेकिन वो 25 30 मिनट काफी अच्छा होगा

एनकुंकू ब्रो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएगा उसमें एनकुंकू आएगा वो हमारी आखिरी उम्मीद है भाई मैं बता रहा हूं अब सहा नहीं जा रहा है एनकुंकू जहां भी हो जल्दी आ जाओ <laughs> तो एनकुंकू एज अ स्ट्राइकर आई थिंक लॉट टू द टेबल मेरे हिसाब से मतलब काफी सारी चीजें हमारी सही हो जाएंगी

तो पौज को आप कितना एक्चुअली बोल सकते हो कि और अकाउंटेबल अगर देखो गौरव भाई ऐसा है कि अगर हम बिल्कुल ही घटिया भी हो रहा था ना वी वर गोइंग थ्रू द मोशन और कुछ हो नहीं रहा था और इट वॉज लाइक की गेम आई थिंक फुटबॉल हम ठीक खेल रहे हैं अभी इस समय और लास्ट सीजन से तो बेटर है पॉइंट्स भी आ जाएंगे आई एम क्वाइट होपफुल आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से बट आलोक भाई हैज मोर होप फॉर चेल्सी देन ऑन एवरेज चेल्सी फैन लाइक मी लॉल आई वांट पेड्रो नेटो नॉट पेड्रो गोंजालवेस एस पर्स फैन ओके चलिए ठीक है लीग थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन ओके गाइस फाइनली प्रेडिक्शन निधि भाई आप बताओ पहले स्पर्स टू विन स्पर्स टू विन ठीक है आलोक या yeah. मैं दिल वाला बोलूंगा दिमाग वाला नहीं बोलूंगा दिल वाला प्रेडिक्शन है आई थिंक थ्री वन टू स्पर्स थ्री वन टू स्पर्स आई गो फॉर अ मेरे अंदर से आवाज आ रही डोंट डू दिस डोंट डू दिस डोंट डू दिस आई गो फॉर अ टू वन चल सी हमारा यूएसपी है चेल्सी yeah. फैंस yeah. <laughs> 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 का गाइज uh, आप भी uh, दे दीजिए अपने अपने प्रोडिक्शन थ्री वन टू स्पर्स अच्छा चेल्सी okay, okay. जीतेगी एंड रेड कार्ड होंगे ओके ओके मार्क माय वर्ड्स फोर चेल्सी हारेगी कि जीतेगी बी शेमलेस यस दैट्स आर मंत्रा भाई टू वन टू चेलसी वन ऑल ड्रॉ

बहुत तगड़ा होगा मतलब अगर बट होना नहीं होने नहीं वाला तो देर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग मुझे नहीं लगता कि ओसी में आएगा चेल्सी बिकॉज अभी चेल्सी इतना अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है नहीं अनलेस हम वही फिर उसको कुछ जो प्रे, ये कौन सी प्रेजेंटेशन है जो हम दिखा के ला रहे हैं प्लेयर्स को वो, वो, वो दिखा के उसको ले तो बात अलग है चलो ठीक है ओके गाइस थैंक यू सो मच प्लीज डू मेक श्योर कि आप साउथ स्टैंड व्यू को और मैंने सेंड मॉन्ग को सब्सक्राइब कर दीजिए स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज है टू का जवाब दे दो हाँ भैया हा। जब यूके गए थे तो कहाँ कहाँ घूमे थे <laughs> आप गलत स्टार्ट किया भैया आपने <laughs> <laughs> आपको नाम पूछना चाहिए था पहले मैं नाम बाबा ड्रॉग बाबा यूएस गए आप यूके गए हो हाँ बहुत जगह गया गए नाम बताइए ड्रॉक बाबा चलो हो गया चलो ठीक है टेक केयर बॉयज गुड नाइट बाय बायरी वन बाय 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 बाय